वेलकम टू मिलियन स्माइल्स एंड आइडिया ट्रेनिंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कानपुर डैम के इस रिजॉर्ट से वेलकम एंड आपके साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट रेसिपी ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ शेयर करने की के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेसिकली यहाँ इस रिजॉर्ट पे अभी आपके बैकग्राउंड में 100 बच्चों का 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है और उस प्रोग्राम में इस वक्त जो एक्टिविटी करवाई जा रही है बच्चों को उसका नाम है ट्रेयर हंट। सो गिवन रूल्स के मुताबिक बच्चों ने खास बाउंड्री के अंदर रहते हुए सर्टन हिंट्स की बुनियाद पे अपना अपना डेजिग्नेटेड ट्रेयर फाइंड आउट करना है। इट कुड बी एनीथिंग एज पर द रूल्स फॉर देम, इट इज़ ऑलरेडी कन्वेड टू देम। सो भाग दौड़ चल रही है, बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें उन्हें कलेक्ट करनी है वो करें और उनकी तादाद उनके कंपेटिटर टीम से ज़्यादा हो ताकि वो जीत सकें उस मुकाबले को। सो मैं यहाँ हाइट पे बैठ के, काफ़ी हाइट पे बैठ के इस डीप सी डाइविंग डेक के ऊपर मैं यहाँ से व्यू देख रहा हूँ बच्चों का। सो यहाँ हाइट पे बैठ के जब मैं बच्चों को यहाँ पे भागते दौड़ते और अपना ट्रेयर हंट करते हुए देख रहा हूँ तो आई थॉट कि एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में एमर्ज हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे लाइफ में हम सब अपना अपना ट्रेयर हंट करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, कोई सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, कोई सुबह 9 बजे अपने बिजनेस पे जाता है, कोई रात को जॉब पे जा रहा होता है, कुछ रात को बैठ के फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बट हर शख्स अपनी अपनी लाइफ में ट्रेयर हंटिंग कर रहा है और इस ट्रेयर हंटिंग में इस वक्त उनको बिल्कुल ये भी अंदाज़ा नहीं है बच्चों को कि दूसरी टीम क्या कर रही है, तीसरी क्या कर रही है, चौथी क्या कर रही है और उनके इस ऑब्जेक्टिव के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है। बस अगर किसी को 75 रुपी का नोट कलेक्ट करना है, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि वो नोट कलेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस एग्जांपल को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अगर हम इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ पे तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए 1 महीने के तो मेरा इस वक्त फोकस अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना है और उस 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 75,000 रुपए कमाने के चक्कर में लाइफ की कितनी सारी और चीज़ों को मैं इग्नोर कर जाता हूँ। वो रिलीजियस हैं, वो सोशल हैं, वो फैमिली है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर आप एक टाइम में ये ले रहे हैं तो ये मिस कर रहे हैं। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप गिलगित जा सकते हैं या मरी जा सकते हैं। तो अगर मरी जाएंगे तो यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी गो टू गिलगित एट द सेम टाइम, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा कमाने के उस चक्कर में अपनी लाइफ के कई और कीमती एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको एक और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको समझाऊं कि अगर आप सब इंक्लूडिंग माईसेल्फ, हम सब जब सुबह उठें तो एक बैंक का मैसेज आता है ना, जब भी हम हमारे अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र करता है तो एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र क्रेडिट हो गए हैं। अगर हम सबके बैंक अकाउंट में कल सुबह एक मैसेज आए सबके बैंक अकाउंट में कि आपके अकाउंट में 1 अरब रुपए या 2 अरब रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं आज 1 जनवरी, जैसे आज रात को नया साल शुरू होगा 12 बजे के बाद, तो कल से नया साल शुरू हो रहा है और कल से 1 अरब रुपए आपके अकाउंट में आ गए, पूरे एक साल में आपने ख़त्म करने हैं। अगर आपने ख़त्म ना किए तो ऑटोमेटिकली अगले दिसंबर के लास्ट डे पे ये ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बेटर यू यूज़ देम इंस्टेड कि आपके अकाउंट में पड़े रहें और ज़ाया हो जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगले 1 जनवरी को दोबारा 1 अरब रुपये आ जाएंगे। सो क्या आप सुबह उठ के मंडे वाले दिन उसी नौकरी पे जाएंगे जो अभी आप कर रहे हैं 75,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के लिए,
या आप कहेंगे कि नहीं ये नौकरी तो नहीं करनी, जान छूटी, मेरे पास तो पैसे हैं, इतने पैसे तो मैंने उस नौकरी में भी नहीं कमाने थे। और अगर आप मंडे कोर्ट के उस नौकरी पर नहीं जाएंगे या वो काम नहीं करेंगे घर से बाहर से वर्क फ्रॉम होम एनीवे, तो इसका मतलब है कि आप वो काम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए कर रहे थे। उस काम में आपका ना पैशन है, ना आपका दिल है, ना इंटरेस्ट है, ना आपके अंदर वो स्किल सेट्स हैं उस लेवल की कि वो आपकी गिफ्टेड स्किल सेट्स हों और आप मजबूर हो जाएं उनको यूज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक पेंटर है और वाकई उसमें अगर गिफ्टेड स्किल सेट्स हैं तो वो कभी भी पेंटिंग नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके अकाउंट में जितने भी पैसे आ रहे। सो इसका मतलब कि ना अगर हम में से ज़्यादातर लोग अपने काम पे नहीं जाएंगे और वो उन पैसों के इस्तेमाल का तरीके का ढूंढने में लग जाएंगे कि क्या करें, वर्ल्ड टूर पे जाएं, बिजनेस बनाएं, जॉब्स क्रिएट करें, क्रिएशन करें, इन्वेंशंस करें, क्या करें, तो हम ज़्यादातर लोग अपनी अपनी नौकरी की बुनियाद पे जो मैक्सिमम टाइम हम दिन का गुजारते हैं ऑफिस आवर्स, और उसके बाद हम कुछ और करने के काबिल नहीं रहते, घर आके घर के थोड़े बहुत काम किए अंदर से, इसका मतलब हम अपनी लाइफ जी नहीं रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लाइफ की फुलफिलमेंट की तरफ अभी तक गए नहीं। कब जाएंगे, कब इतने पैसे होंगे क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय कर सके। सो अगर हम तय कर लें कि हमारी अल्टीमेट नीड्स क्या हैं, कितने पैसे हमें मंथली चाहिए, और जब उतने पैसे हम कमाने लग जाएं तो हम एटलीस्ट ये सोचना पूछना अपने आप से शुरू करें कि अब और क्या करूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा क्या पर्पस है, लाइफ की फुलफिलमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, टू हैव अ फुलफिल्ड लाइफ। जब तक हम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे तो हम इसी तरह ट्रेजर हंट के तौर पे अपनी लाइफ किसी एक ख़जाने के ढूंढने में सर्फ कर देंगे, जबकि जब वो ख़जाना हमें मिलेगा तो पता चलेगा कि ये तो ख़जाना हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव का 0.0001% अहमियत का हामिल है और बाकी लाइफ तो इस ख़जाने को ढूंढने में लग गई, ये तनख्वाह कमाने में लग गई, ये नौकरी बचाने में लग गई, इस बिजनेस को सरवाइव करने में लग गई। तो कब पूछेंगे हम, कब हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करेंगे, अचीव करेंगे, ये सवाल पूछेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए डिफरेंट है, ईदी के लिए कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम की अहमियत है, कितनी अल्टीमेट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ईदी की, अलामा इकबाल की, फैज़ अहमद फैज़ की, पिकासो की, मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की, इमरान खान की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, खुर्रम शहजाद की, ज़ीशान अफजल की, ये हमने तय करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो कैप आपने लगाना है पैसे कमाने का या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के, जो मंथली ईयरली एनुअल इनकम 1 अरब या 1 करोड़ या 1 लाख रुपए, वो ज़्यादा होगा तो आप फ्रीडम वाली लाइफ गुजारेंगे। इस पे सोचें और अपनी लाइफ को आज से बेहतर बनाने पे काम करें। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, थैंक यू सो मच।